बीजेडी में बवाल की खबर आ रही है। छात्र इकाई का अध्यक्ष हटाने पर बवाल हुआ है। तेज प्रताप यादव का करीबी हटाया गया है छात्र इकाई से आरजेडी की, और उस पर बवाल हुआ है। तेज प्रताप का जगदानंद सिंह पर निशाना है, आरजेडी का संविधान तोड़ने का आरोप लगाया तेज प्रताप ने। न्यूज 18 के चंद्रमोहन की खबर है कि बड़ा बवाल हुआ है ये वहां बिहार में आरजेडी में, क्या और क्या पता चल रहा है चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर पार्टी ऑफिस में एक छात्र सम्मेलन हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव की वहां पर फोटो तस्वीर नहीं लगाई गई थी, और उसी समय तेज प्रताप यादव ने भाषण के दौरान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह आरजेडी के, उनको उन्होंने हिटलर कहा था, और उसके बाद से नाराज हो गए थे जगदानंद सिंह और 10 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे थे। आज वो 10 दिन बाद जब ऑफिस पहुंचे तो जो छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तेज प्रताप यादव के काफी करीबी माने जाते हैं आकाश यादव, उनको उन्होंने हटा दिया, और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि संविधान तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं रोक रहा हूं चंद्रमोहन, मैं आपको रोक रहा हूं। तेज प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या हुआ वहां पर, क्या आपके करीबी को हटा दिया छात्र इकाई से, इसलिए आप नाराज हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि संगठन में जो आदमी मेहनत करता है, जो संगठन कार्यकर्ता से बना है, ये आप सब जानते हैं, और पूरे संगठन के लोग जहाँ जहाँ दल है पार्टी है सब लोग जानने का काम करते हैं तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेहनती है उसको हीन भावना देखा जाता है पूरे तरीके से। तो फिर आइए, तो आप आपकी पार्टी है, आप पार्टी में बात उठाइए, आपकी पार्टी में पार्टी मेरी क्यों कैसे हुई, पार्टी तो सबकी है जी, पार्टी तो सबकी है ना, पार्टी तो सबकी है, पार्टी केवल किसी एक की नहीं ना है, पार्टी तो सबकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टी में जिस तरीके से जो गतिविधियां होती है उसमें हम आपको शुरू से अगर कहानी में बताऊं तो उतना लंबा समय आपके पास होगा भी नहीं और आप सुन भी नहीं पाएंगे उतना लंबा समय अगर मैं बताऊंगा कहानी पूरे तरीके से, तो क्या कहानी हुआ है और कहां से शुरुआत हुआ है वो भी मैं बता दूंगा। सच्चाई पूरी जनता और पूरे छात्र के लोग ये बोल रहे हैं कि छात्र का कोई संगठन था ही नहीं, तो ये शायद भूल चुके हैं पूरे तरीके से जगदानंद जी, और पूरे तरीके से ये हताश हो चुके हैं कि जिस तरीके से अब ये भूल गए हैं कि जेपी मूवमेंट जो हुआ था, जेपी मूवमेंट में छात्र राजद जो छात्र जो थे जो जेपी मूवमेंट में किस तरीके से हमारे पिता ने अगुवाई किया था छात्र का, वो तो सब लोग जानते हैं कि छात्र राजद छात्र वहीं से शुरुआत हुआ था छात्र का, और छात्र के हमारे पिताजी उपस्थित थे कि आज उन्होंने इतना संघर्ष किया और जेपी जी और लोहिया जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, और पूरे तरीके से जो जेपी थे वो खुद छात्र के बारे में उन्होंने लेख लिखा है और खुद छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन जो इस तरीके से हमारे नौजवानों का और छात्र के, कोई भी नौजवान हो चाहे वो बीजेपी में हो नौजवान या चाहे कांग्रेस पार्टी में हो नौजवान या लोजपा में हो नौजवान या छात्र राजद में हो नौजवान, हम सभी नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर आम आदमी के विशेष को ही हम ये नहीं, तो आप, करने का आप, काम करते आप, हैं। लेकिन देखिए हाँ, आपके परिवार में ही तो है ना, मतलब आप जैसे पार्टी में आपके भाई हैं, आप उनसे कहिए कि भाई पार्टी में ये सब हो रहा है, आप उनसे क्यों नहीं बोलते? नहीं देखिए, भाई हैं तो भाई को हमने, वो बाहर थे और वो ही अभी आए तो उनसे मेरी इस पे चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अभी उनसे मेरी बात हुई है तो वो पार्टी के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठे हुए थे तो इस पे अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन किसी को बिना नोटिस दिए हुए कि आप पार्टी का संविधान उठा करके देख लीजिए, जितने भी राष्ट्रीय पार्टी या रजिस्टर्ड पार्टी है उस संविधान उठा करके देख लीजिए कि किसी भी बिना नोटिस दिए हुए आप पार्टी से किसी को भी बाहर आप नहीं कर सकते हैं, और उनका उन्होंने गलती क्या किया था, छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया था, वो गलती किया था, छात्र नौजवानों को गांव-गांव में कस्बों-कस्बों में जोड़ने का काम किया था वो गलती किया था, छात्र नौजवान का कोई पूछ नहीं था संगठन में, हमने छात्र संगठन को आगे उठाने का काम किया और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, तो हमारी गलती हो गई कि तेज प्रताप यादव गलती कर रहे हैं और बड़े सीनियर लीडर भूल गए कि वो क्या कर रहे थे। बड़े सीनियर लीडर जो है छात्र को बुला लेते हैं, अब बुला करके फोटो खिंचवा लेते हैं अपना और फिर चले जाते हैं। अभी जो आंदोलन जो हुआ था बिहार में, हम आपको बता दें जो पथराव हुआ था हमारे ऊपर और तेजस्वी के ऊपर, वहाँ पे छात्र का नौजवान पिटा रहा था, जगदानंद सिंह जी तो पिटाए नहीं थे या बड़े सीनियर लीडर तो पिटाए नहीं थे, वहाँ तो तेजस्वी और तेज प्रताप था लड़ाई के मैदान में।
तो छात्र के नौजवान पिटाए थे। आपकी नाराजगी छात्र का नौजवान जिसके पास पैसा नहीं है जी, जिसके पास कुछ नहीं है, बैकग्राउंड से गरीब लोग हैं, वो अगर संगठन में जुड़ रहे हैं तो उनको पार्टी से हीन भावना से देखने का ये लोग काम करते हैं। हम किसी के ऊपर आरोप लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, जो फ्रंट बात है मैं वही तेज प्रताप यादव बोलने का काम करता है। नहीं तो आपकी नाराजगी जगदानंद सिंह जी से है, तो जगदानंद सिंह जी के खिलाफ आप क्या करेंगे आप पार्टी में? मैं खिलाफ की बात नहीं है, मैं खिलाफ का बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके खिलाफ हूँ या ये है। इस तरीके से अगर पार्टी में जो गतिविधियां होती, देखिए पार्टी किसी का ये है नहीं, पार्टी जो है पूरे तरीके से जनता का है, संगठन का है, सामाजिक न्याय का अगर हम बात करते हैं तो उसका है पार्टी, पार्टी तो किसी की है नहीं। तो इस पर अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए अगला कदम का क्या है, हम अगला कदम हम बात करेंगे पार्टी के लोगों से, पार्टी के सीनियर लोगों से हम बात करेंगे कि बिना नोटिस दिए हुए अब बिना पार्टी, आप जगदानंद सिंह जी बोल रहे हैं इस तरीके का बयान आप दे रहे हैं, हम उनके पुत्र के समान हैं और अपने पुत्र को उनके गोद में हम बैठे हैं और इस तरीके का बात बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है ना। इस तरीके का बात उनको नहीं, आप पहले भी बोलवाते आ रहे हैं हमको, हमको घेरने का काम किया है, कब नहीं लोग घेरने का काम किया है, न्यूज फॉर जो कौन कौन चैनल है उस पर इन लोगों ने चलाने का काम किया और लगातार चला रहे हैं चैनल पे, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर उल्टा पुल्टा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। नहीं तो आप जगदानंद सिंह जी के खिलाफ पार्टी में कोई वो करेंगे या कोई आरोप, मतलब जैसे जो आप बात कर रहे हैं उसको पार्टी में 44 में कैसे उठाएंगे जब आप कह रहे हैं आपकी सुन नहीं रहे हैं? नहीं तो हम तो जनता के बीच में रख रहे हैं ना बात को, आप जो चैनल सुना रहा है आपको, आप जनता सुन रही होगी आपकी चैनल को, जनता के बीच में हम रखने का काम कर रहे हैं, पार्टी फॉर्म में हम रखते हैं ये बात को, कहीं भी पार्टी का गतिविधि होता है, प्रोग्राम होता है या धरना होता है तो वहां भी हम पार्टी का, या चर्चा होता है तो वहां हम रखने का काम करते हैं, शुरू से हम रखने का काम किए हैं पार्टी में। अगर मान लीजिए कि पार्टी में जिस तरीके का गलती हो रहा है अगर वो हम नहीं रखेंगे तो आखिर पता कैसे चलेगा कि हमारा पार्टी कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, कितना ऊंचाइयों तक गया, बताइए इसका जवाब दीजिए आप। और आप पार्टी में आप बिना नोटिस दिए हुए आप पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को पदमुक्त कर रहे हैं, तो आज जिस तरीके का हुआ है उस तरीके संविधान के खिलाफ हुआ है, इसलिए हमने ट्वीट करने का काम किया है। हमारी कोई उनसे दुश्मनी थोड़े है जगदानंद सिंह जी से, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, लेकिन वो इस तरीके का काम करते हैं, उनको चाहिए कि छात्र के नौजवानों को बुलाने का काम करें, उनसे राय मशवरा ले लेते हैं या हमको बुला लेते हैं, हम उनको लगातार फोन करते हैं, वो मेरा फोन भी नहीं रिसीव करते हैं। नहीं तो पार्टी का जो प्रोग्राम हुआ था उस समय भी हमने उनको फोन किया था कि अंकल आप पूजनीय हैं, आप पिताजी के साथ रहे हैं, आदरणीय हैं, आप आइए, तो नहीं फोन रिसीव करते हैं, वो शुरू से लोग जानता है, पार्टी के लोग जानते हैं, उनके खुद के बेटे जो है अपने पार्टी में विधायक है वो खुद RJD का झंडा जलाने का काम किए थे, तो भूल गए लोग। तो आप तेजस्वी से क्यों नहीं कहते? मैं जब दिल्ली में गया था, नहीं सुनिए मेरी बात, जब मैं दिल्ली में गया था तो दिल्ली से जब मैं वापस लौटा तो देख रहे हैं कि पूरा होर्डिंग लगा हुआ है पूरे तरीके से, आप किसने होर्डिंग लगवाया क्या लगवाया मुझे क्या पता, तो आप होर्डिंग में क्या लगा है, होर्डिंग में फोटो किसी का नहीं है, तो यही सब चीज है, इन लोग का जो टीम है वहाँ पार्टी कार्यालय में बैठ करके यही सब चीज नोटिस करता है, बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं रहा है इस पर नोटिस लोग नहीं कर रहे हैं, बिहार में किस तरीके से लालू रसोई को हम लोगों ने छात्र के नौजवानों ने लगाने का काम किया और बाढ़ पीड़ितों के लोगों को हम लोगों ने मदद करने का काम किया, लेकिन इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, फोकस की क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया, ऐसे बोल दिए वो ऐसे बोल दिए, तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। और पहले जगदानंद सिंह अनुभवी इतना ही, जब अनुभवी है जगदानंद सिंह तो खुद समझ लें जगदानंद सिंह, उनको तो पार्टी का संविधान पढ़ लें, वो बिना पढ़े इस तरीके का कदम उठा रहे हैं तो अब इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है यहाँ। तो आपका फोन क्यों नहीं उठाते हैं वो, आपने कभी तेजस्वी से ये बात की कि भाई आपका तो फोन आप भी नहीं उठा करके पूछ लीजिए, वो तो आपका भी फोन नहीं उठाएंगे, अगर आप उनसे बाइट लेने जाइएगा ना तो 2 घंटा इंतजार करवा देंगे। तो आपने तेजस्वी से या लालू जी से या घर में परिवार में और पार्टी में? नहीं, हमारे घर में किसी से कोई लड़ाई नहीं है, जिस तरीके का तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा पूरे तरीके से हमारा सहयोग है, छात्र राजद का पूरे तरीके से सहयोग है और पूरे तरीके से हम दिल से सहयोग करते हैं तेजस्वी को, तो लेकिन शुरू से भी, लेकिन तेजस्वी क्या जगदानंद सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप कह रहे हैं? सपोर्ट करने की, देखिए ये गलत बात है, सपोर्ट करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जगदानंद सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में जिस तरीके से गतिविधियां जो चल रही हैं ये गतिविधियां नहीं चलनी चाहिए, पहले लोगों को नोटिस देना चाहिए आखिर उनकी गलती क्या है, छात्र के जो अध्यक्ष हैं वो जो पद पे हैं तो उनकी गलती क्या है,
या छात्र के संरक्षक तो हम भी हैं, वो सीधे बोल रहे हैं कि छात्र का कोई इकाई नहीं था, छात्र सभा ही कोई नहीं था। ये तो गलत बात है, ये तो पूरा मीडिया जानता है, पूरा बिहार की जनता जानती है, पूरे छात्र के नौजवान, एक एक जो नौजवान जो मेहनत कर रहा है वो जानने का काम करता है। हमारा छात्र के लड़के को गोली लग जाता है वहाँ जगता सिंह नहीं जाते हैं, हमारे दूसरे छात्र के लड़के को गोली लग जाता है एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो वहाँ नहीं जाते हैं जगदानंद सिंह। आपकी नजर में ऐसा है वो क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं, पार्टी को खराब कर रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं, तो जनता न देखेगी। लेकिन पार्टी आपकी है तो अब आप आवाज जो उठा रहे हैं तो आपने कुछ तो देखा होगा ना, अगर आप कह रहे हैं इतने समय से चल रहा है। हमने आपको कह दिया कि पार्टी केवल हमारी ही नहीं है, पार्टी तमाम लोगों की है, केवल पार्टी हमारी ही नहीं है। तो तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा इस पर? आप कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाके किस अंदाज में जाएंगे, क्या करेंगे आप, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? तो जनता के बीच में हमेशा मैं शुरू से जाता हूँ जनता के बीच में, ऐसी बात नहीं है कि मैं जनता के बीच में कोई नया हूँ कि नहीं जाता हूँ, हम तो शुरू से जाते हैं, शुरू से पार्टी के गतिविधि को मैं आप लोग भाई आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हम रखने का काम करते हैं। तो बात तो नहीं है, पार्टी में बदलाव करने के लिए आपकी कोशिश क्या होगी अगली? नहीं, पार्टी में बदलाव करने के लिए हम तो पूरे लगे हुए हैं, हम तो चाह रहे हैं पूरे तरीके से पार्टी में बदलाव हो, अच्छे तरीके से लोग पढ़े लिखे नौजवान आए, किसी के ऊपर केस मुकदमा नहीं हो। अब ये जो कौन बना है उसको तो हम तो जान भी नहीं रहे हैं, वो तो हमसे मिला भी नहीं है, वो तो हमसे मिला भी नहीं, छात्र के संरक्षक हैं हम, तो ये हमसे छात्र के संरक्षक के होने के नाते तो इन्होंने तो जगताप सिंह जी तो हमसे पूछा भी नहीं। आपकी नजर में जगदानंद सिंह जी की जगह कौन होना चाहिए? देखिए कौन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो पार्टी का फैसला है कि कौन क्या बनेगा, लेकिन पहले में जो पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष है पूर्वे अंकल उनका तो बात ही कुछ और था। वो लोगों को, छात्र के लोगों को हमको बाकायदा फोन करते थे, बुलाते थे, राय लेते थे पार्टी से, पार्टी में क्या गतिविधियां जो चलती रहती थी उसके, इससे हमसे राय भी लेने गए लोग, इन्होंने ये काम करते थे। और जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये तो छात्र के नौजवान को पार्टी कार्यालय में जाने ही नहीं देते हैं, पार्टी कार्यालय का दरवाजा बंद रहता है, आप खुद देख लीजिए किस तरीके से। अब मान लीजिए कोई आम आदमी है, किसी को पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है, आम कार्यकर्ता है, वो गया है इलाज कराने के लिए, गांव का आदमी है, उसका पैसा नहीं होता है, वो पार्टी कार्यालय में पहले जा करके सो जाता था, तो हम लोग उनको जगह दिलवा देते थे, जैसे कोई बुजुर्ग आ गए या तो कोई आ गए तो उनको हम लोग जगह दिलवा देते थे अपना, कि अपना वो इलाज कराएंगे, उनको हम लोग मदद करेंगे। लेकिन इस तरीके का जो भावना हो रहा है, इसलिए हमने पार्टी में इस तरीके का, देखिए पार्टी में अगर गलत होता है तो आवाज उठाते हम ही हैं, चाहे वो कोई भी हो। आखिर में तेज प्रताप, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ऐसे अगर होता रहेगा पार्टी में तो कैसे बीजेपी से लड़ेंगे आप, कैसे एनडीए से लड़ेंगे आप, कैसे जेडीयू से लड़ेंगे आप? नहीं, बीजेपी या एनडीए से तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, और जनता देख रही है कि किस तरीके से क्या हो रही है, लेकिन पार्टी में लड़ाई का बात नहीं हो रहा। पार्टी पूरा समुन्दर होता है, संगठन होता है, बहुत सारे लोग इसमें आते भी हैं, बहुत सारे लोग जाते भी हैं, लेकिन ये मैसेज कम से कम ये छाप तो छोड़े हैं जगदानंद सिंह जी कि छात्र के लोगों को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, और इस तरीके का बात तो नहीं लाए हैं कि वो किसी लोगों से मिलते नहीं, ना छात्र के लोगों से मिलते हैं, केवल छात्र के लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, ये पार्टी के तमाम लोग कहते हैं, जो पापा से, जो हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से जो लोग जुड़े हुए थे, उसमें जब पिताजी हमारे जेल चले गए, तो जेल चले गए तो जो बाई हाथ जो पुराने लोग जो जुड़े थे, बहुत सारे लोग, अच्छा अब विधायक की बात कर ली जाए हमारे पार्टी में, तो विधायक अगर कोई भी पार्टी ऑफिस चले जाता है तो बोल देता है कि अपॉइंटमेंट लेकर के आओ। अब मान लीजिए कि सुदय यादव है, एक विधायक है, वो जहानाबाद के वो गए हुए थे, तो ये जगताप सिंह जी ने उनको धक्का दे दिया था, पार्टी में बाहर कर दिया था उनको ऑफिस, धक्का दे करके। आप बताइए, माननीय विधायक है, आप उस तरीके का काम करते हैं, पूरे तरीके से इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे 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 तो आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप पब्लिक में ये सारी बातें करके तो पार्टी को नुकसान ही पहुंच रहा है ना, अगर ये पता चल रहा है पब्लिक में कि अगर पार्टी में ऐसा होता है कि दरवाजा, देखिए नुकसान नहीं पहुंच रहा, पब्लिक भी पूरे तरीके से जानती है कि सच्चाई क्या है, पब्लिक पूरे तरीके से जानती है कि कौन क्या सच्चाई, किसके किसके साथ जनता किसके साथ है और कौन क्या है,
तो इसलिए अब पिताजी नहीं है, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी कि जितना जल्दी हो कि पिताजी आए बिहार, आ करके इस चीज को संभालने का काम करें। हम तो लगातार दिल्ली भी गए तो पिताजी से बोले हैं कि आएंगे, तो पिताजी का भी अस्वस्थ चल रहा है और पूरे तरीके से जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक वो नहीं आएंगे। नहीं तो आप जगदानंद जी आपका फोन नहीं उठा रहे, वो बात आपने कही, लेकिन पिताजी को तो आप चैनल के जरिए क्यों बोलेंगे? पिताजी को तो आप सीधा बोल सकते हैं ना। पिताजी को हम बोलते भी हैं, सीधा भी बोलते हैं, हमारा बात भी होता है। अब आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोले तो आपका चैनल का टीआरपी नहीं होगा। आप हमारे चैनल की टीआरपी के लिए पिताजी को हमारे चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं? अब बोलेंगे तो उससे आपका चैनल का टीआरपी भी तो हो जाएगा ना। अब बोलेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे तो टीआरपी भी होगा आपके चैनल का। हम तो ऐसे भी बोलते हैं पिताजी से, तो हमारी लगातार बात भी होती रहती है। ऐसी बात तो है ना कि हमारी पिताजी से बात नहीं होती है। अच्छा सुनिए, जगदानंद सिंह जी ने क्या कहा है वो भी जरा सुन लेते हैं। मैं किसी को नहीं हटाया हूँ, मैं बनाया ही नहीं था, हटाऊंगा कुछ यानी जरा ख्याल कर लो, ये जो पद रिक्त था उस पद पर एक विश्वविद्यालय का छात्र आज है और विश्वविद्यालय का छात्र है। और तो तेज प्रताप जी, उनका तो जगदानंद जी का तो कहना कि मैंने बनाया नहीं था तो मैं हटाने वाला क्यों, वो तो पद रिक्त था। हमारे पिता ने बनाया था छात्र सभा को, हमारे पिता ने छात्र सभा को बनाया था, उनको आइडिया नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे पिता से मुलाकात नहीं किए होंगे, जाके मुलाकात करते तो शायद पिताजी उनको जानकारी दे सकते थे। शुक्रिया तेज प्रताप।